अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ये मैच के साथ। पहले मैच के साथ वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 20 का ये मैच है, जिसमें वार्ड नंबर 26 का ये मैच है। वार्ड नंबर 2 बैटिंग कर रही है और वार्ड नंबर 26 जो फील्डिंग कर रही है। अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह अगले जो मैच हैं एंड तक मैं आपको बताऊँगा। फील्डिंग सेट करते हुए वार्ड नंबर 26 फील्डिंग सेटिंग में जी जी वार्ड नंबर 15 का मैच खत्म हो गया। नंबर जीत गई है, 15 नंबर हार गई थी। इससे पहला मैच जो है सब व्यूअर्स रिक्वेस्ट है कि वो इस पोस्ट को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि ये इवेंट पूरी दुनिया में देखा जा सके। पहला मैच वार्ड नंबर 29 जो आरएफ बाजवा हैं उनकी टीम जीती है और 15 नंबर टीम जो है वो हारी है। ये बैट्समैन और कीपर इनसे इंतजार से बाकी दोस्तों से जरा बाकी इंतजार से गुजारिश है कि अपनी शर्ट्स अंदर रखें बैट्समैन और कीपर। थैंक यू स्पेशली। इस तरह पहले ओवर की पहली बॉल पर स्कोर है 4। जितने छक्के मारेंगे बैट्समैन उतने हमार मिलेंगे हमको।
आदि अजीम भाई साहब जी बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह से। डीपीआर शुरू होने से पहले ही अपनी टीम की सिलेक्शन के लिए माशाल्लाह से दौड़ जाते हैं। सलीम 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 का मोहम्मद अब बाइक का इशारा सिक्स बॉल को बाहर से खिलाड़ियों के अंदर दे। हमारी सिक्योरिटी से गुजारिश है कि वो बाउंड्रियों पे खड़े हो ताकि बॉल को अंदर वापस जल्दी से मंगवाया जा सके। सिक्योरिटी अजलास जरा बॉल की तरफ भी ध्यान रखा करें। शुक्रिया। अंपायर का इशारा वाइड बॉल स्कोर हो चुका है 12-13। पहले ओवर का खेल एक छक्के के साथ 1000 रुपये आप वार्ड नंबर 2 के लिए मौजूद उनके काउंसलर मोहम्मद अजीम वार्ड की जानब से। कामरान आपके पास 1000 रुपया जमा हो चुका है। अब आए हैं सुल्तान। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। पहला ही ओवर काफी तवील तवालत पकड़ते हुए शॉट की कोशिश नाकाम रही। सुल्तान पिछले मैच में इनका इंफरादी स्कोर था 91। जितने छक्के उतने हवा गोल में भी दिया इनामात भी बसा। हाजी मोहम्मद रहीम टीम हम की तरफ से बाद में गोल के लिए जितने छक्के उतने हवा और ये दूसरा बढ़िया स्कोर 20 मानव को स्कोर होगा 20 ग्रोव में डीपीएल स्पॉन्सर बाय ग्रोव में फूड्स जेरे सरपरस्ती अलहाज बाबा जी मोहम्मद खालिद महमूद मकी बदी साहब चीफ सेक्रेटरी डीपीएल शाम को उस्मान खालिद उनके साथ मार्गदर्शन करते हुए जनाब चेयरमैन बन गया डायरेक्टर डीपीएल साहब अच्छी बात जी। ये सिक्योरिटी वाले अंदाज सारे ग्राउंड में मौजूद है। इन सबसे गुजारिश है कि गेम जो बाहर जाती है छक्के की सूरत में उसको फौरी तौर पर अंपायर की तरफ वापस भेजा जाए। 41 को 21 को रुककर वार्ड नंबर 2 से वार्ड नंबर 26 वार्ड नंबर 26 को रिलीज कर रहे हैं हाफिज जहीर और सुहाउद्दीन अंसारी साहब और मान नंबर 2 में टीम आना है हाजी मोहम्मद अजीम बाट साहब। एक ओवर के इतमान पर स्कोर हो चुका है 21। दूसरे ओवर का खेल शुरू होने वाला है। स्कोरिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं निकलेशी अंपायरिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं मास्टर मोहम्मद यूनस उनके साथ इमरान और कमेंटेटर है मेरे साथ मौजूद आला सह हजरा लोकेट और मेरे साथ और हमारे भाई कौशिश मगर फील्डर बताओ क्या इस प्रखंड में और इस तरह तेजी से भाग कर गुड रनिंग बिटवीन के वार्ड नंबर 2 3 रन का लाभ हो सकेगा वार्ड नंबर 2 के खाते में। 3 स्कोर पहली बार में 24 हो चुका है वार्ड नंबर 2 का ग्रोथ डीपीएल 10 का फेवरेट जितने छक्के उतने हमार वार्ड नंबर 2
और ऐलान किया है उनके काउंसलर हमारे इलाके में माने जनाब हाजी मोहम्मद इशफाक मुगल साहब लालू इशफाक साहब आइए कर उठा दिया मेरी वीट कर दी थी फोर सिक्स रन व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है आप पोस्ट को ज़्यादा शेयर करें और फ्रेंड्स को इनवाइट करें ताकि ये इवेंट डिस्का का पूरी दुनिया में देखा जा सके कि छोटे से शहर में ये इवेंट किस तरह से जाया है। पापा जी खालिद महमूद मकीमत ने और उस्मान खालिद हसान खालिद उन्होंने कैसा ये इवेंट सजाया है आप काइंडली ये ज़रूर शेयर करें। वेलकम मतलूब साहब आप भी शेयर करें अरसलान भट्टी साहब आप भी रोज़ के व्यूअर हैं आपको बार बार कहना जो है ना वो भी ठीक नहीं है आप जब भी ऑन करें इसको सबसे पहले शेयर करें। दूसरे ओवर का खेल है और 33 स्कोर हो गया सब दोस्त अपना अपना स्टेटस भी बताएं किस कंट्री से या किस सिटी से आप लोग देख रहे हो ताकि जो इस वक्त इवेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उस्मान खालिद साहब बाबा जी खालिद महमूद मदनी साहब वो अभी इस ई डिस्का पर लाइव देख रहे हैं उनको पता चले कि उनका ये इवेंट पूरी दुनिया में कैसे देखा जा रहा है कहाँ कहाँ देखा जा रहा है ताकि वो अगले इवेंट को इससे भी बढ़ के आप लोगों को पेश करें। अपनी टीम के लिए कितने मौके शामिल होते हैं खासा मुश्किल है इसका फैसला करना तो भाई बाल जी मुगल साहब स्कोर 35 स्कोर का वार्ड होगा दूसरे ओवर का खेल जारी गोल में डी पी एल जोश और खरोश के साथ खूबसूरती के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना वेलफ्रेड फील्डर मौजूद एक रन का इजाफा बाद नंबर 36 हो चुका है जी 36 वन टू गो है 36 स्कोर हो चुका है दूसरे ओवर का खेल जारी सुल्तान फेस करेंगे सुल्तान की सुल्तानी इमरान साहब ने पहले भी काफी दफा आसा है उनके फेवरेट प्लेयर है सुल्तान फेस करेंगे मोहसिन को शॉट की कोशिश भरपूर तरीके से खेलने से नाकाम एक स्कोर का इजाफा स्कोर है 37 दो ओवर के साथ स्कोर हो चुका 37 दो बनी भी है दस का प्ले बनी स्पॉन्सर का गोल फूल साहब चीफ इलेक्टर डीपीएल साहब उस्मान खालिद डायरेक्टर डीपीएल खाजा दौलताशी चेयरमैन अलियर रस्ता को अमर किया है यंग फाउंडेशन और खुद के मामले फाउंडेशन ने मैं एक बार फिर अपने मेहमान मोहतरम जनाब मोहम्मद इशफाक मुगल सर्जिकल वाले उनको तरक्की भाग्य से प्रणाम में खुशाम लेते आ रहा हूं आज के मेहमान खास चेयरमैन अलिया खाजा दौलताशी डायरेक्टर डीपीएल मैदान में अहमद बारी करवा रहे हैं तीसरे ओवर की खेल जारी स्कोर हो चुका है एक और हमला
49 स्कोर हो गया है। तीसरे ओवर का खेल जारी है। बहुत लंबा छक्का है मिड विकेट की तरफ और ग्राउंड से भी बाहर है ये लगता है। बहुत लंबा सिक्स है। व्यूअर्स इसी वन के चीफ जो हैं वो मैच को वॉच कर रहे हैं ईडिस का पे लाइव। मैं चाहता हूं कि जिन्होंने ये इवेंट इतना ग्रेट करवाया है जिनकी वजह से ईडिस का इसको लाइव कर रही है, जिनकी वजह से आप लोग देख रहे हो, उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करें। एक और सिक्स है वार्ड नंबर दो के, ये सुल्तान नाम के बैट्समैन है। अरसलान भट्टी साहब मेरी सारी वार्ड हैं, वार्ड नंबर दो भी मेरी है अजीम भट्ट साहब की, तो मैं तो आपको इंशाल्लाह जोश दिखाऊंगा, आप भी जोश दिखाएं, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, इवेंट वालों के लिए भी करें, दस्का के लिए करें। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। बहुत लंबा सिक्स है ये भी, आज सुल्तान अपनी सुल्तानी दिखा रहे हैं। क्या भैया सुल्तानी कर रहे सुल्तान, सच में आज के मैच के सुल्तान है। 75 सुल्तान के खाते में उनके अलग अलग से। और ये एक और सिक्स है मिड ऑन की तरफ, उन्होंने सिक्स बुला खेला है। पूरे ओवर में 6 हैं, 6 हैं। तीन ओवर पे 74 स्कोर हो गया। शेबी राणा, ये सपना कौन है मुझे नहीं पता उसका, कौन सी वार्ड से है ये। सुल्तान छाए हुए सुल्तान, आज का मैच, आज का दूसरा मैच वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 26 के दरमियान। चक्कर लगा दो बारह सुल्तान अपनी सुल्तानी दिखाते हुए। राणा गुलाम मुस्तफा, उनको हम जल्दी आता आ गया यूसुफ पंडार में। खुर्शाद लोग कहते हैं वकास अमीन मुगल। अभी ये पहली इनिंग्स है, दो नंबर वार्ड बैटिंग कर रही है और ये भी सिक्स बायर का इशारा सिक्स। दो नंबर वार्ड बैटिंग कर रही है, चौथे ओवर का खेल जारी है। वार्ड नंबर 29 जो आर बाजवा की है वो फील्डिंग कर रही है। वार्ड नंबर 2 अजीम भट्ट साहब की है। खिलाड़ी को लेकर
स्कोर 80 से ज़्यादा स्कोर भी कमेंट्रेटर आपको बताते हैं जो आपको आवाज़ आ रही है। बहुत लंबा छक्का। वेलकम उस्ताद साहब, आप पोस्ट को शेयर भी करें, फ्रेंड को इनवाइट भी करें, आप काफ़ी लेट आए हैं फिर भी मैं आपको वेलकम करता हूं। लेकिन टल गया। सब देखना चाहते हैं सुल्तान की बैटिंग, सुल्तान के साथ किस्मत की देवी भी मेहरबान। स्कोर हो चुका है 88 स्कोर हो गया है। चौथे खेल का जारी है, चौथे ओवर का खेल जारी है, 88 स्कोर हो चुका है अभी तक। शिबाज साहब बहुत शुक्रिया, पोस्ट को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, इनवाइट करें उनको, ताकि जो क्रिकेट लवर्स हैं पूरी दुनिया में वो ये इवेंट देख सकें। और ये कैच ड्रॉप कर दिया, बड़ा इजी कैच था फील्डर के पास। उधर भी नेट का मसला है साजी, इधर तो है ना पाकिस्तान में, तो आपके मस्जिद में भी नेट का मसला है। उसके लिए पांच मार गया नहीं बात कैंसल गोल में पीपीएल 10 का फैमिली पांच मार गोल ऑनलाइन लड़ाई सुल्तान थाना कर रहे हैं। पहली इनिंग्स अभी जारी, दूसरी टीम ने भी बारी लेनी है। एक रन ज्यादा हो सकेगा, हैदर इजाज भट साहब बहुत शुक्रिया, पोस्ट को शेयर करें, फ्रेंड्स को इनवाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स चाहिए ईड स्क्वा को, 2 मिलियन हम व्यूअर्स क्रॉस करना चाहते हैं फाइनल तक, और माशाल्लाह आपकी दुआओं से 1.3 मिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं। ई डस्का ने इस इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर उस्मान खालिद साहब से प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह फाइनल तक 2 मिलियन हम मैं व्यूअर्स आप क्रॉस कराऊंगा टीपीएल को, और आप मेरी हेल्प करें इस मामले में। 1.3 मिलियन आज तक के हो चुके हैं, मुझे 7 लाख और चाहिए, तो ये आपने देने हैं मुझे 25 जेट तक इंशाल्लाह। आप मेरा ये साथ दें, मैं आपको ये मैचेस इसी तरह दिखाता रहूँगा, और मेरा टारगेट मुझे दें ताकि मैं उस्मान खालिद के सामने सुरख रू हो चुका। मिर्जा तैयब साहब सिंधबाद भी जिंदाबाद है, आप इसको शेयर भी करें, मुझे शो होना चाहिए आपका शेयर, और इसके अलावा आप फ्रेंड्स को इनवाइट करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज चाहता हूँ। जी नहीं, डस्का का जो है ना मैप पे आ रहा वो मुंडे की किराया आ रहा है, मुझे उसकी सेटिंग की समझ नहीं आ रही, मैं डस्का से बिलोंग करता हूँ कॉलेज रोड से। मिड विकेट की तरफ खेल दिया, मिड विकेट की तरफ, और 4 रन हो गए, फील्डर नहीं पकड़ सकते। वेलकम यासिन भाई, आप इसको शेयर भी करें, फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें। ओवर है पांचवा, ओवर का खेल जारी, स्कोर हो चुका है 95। पांचवें ओवर का खेल अभी जारी है और 95 रन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आज का इस टीम का हाईएस्ट स्कोर बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले 132 स्कोर हाईएस्ट है। पांचवें ओवर खेल जारी, 95 फेस करेंगे, क्या बात, दोनों का इशारा
इंशाल्लाह मिर्जा साहब आप सबकी दोस्तों के तावन से मैं ये 2 मिलियन टच करूंगा। जो मैंने प्रॉमिस साहबजादा उस्मान खाली साहब से किया है वो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मदद से वो मैं गेन कर जाऊँ। यही मेरा टास्क है और मैं आपको तमाम मैचेस दिखा रहा हूं, वो टास्क को भी अचीव करना है और आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी मैंने देनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करेंगे फ्रेंड्स को तो इंशाल्लाह मैं टारगेट मुझे पता है फाइनल से पहले अचीव कर लूँगा। जो मेरे नॉलेज में वो 132 है हाईएस्ट स्कोर, अब आप 142 बता रहे हैं ये मुझे नहीं पता, मेरे नॉलेज में तो यही है। पहली बॉल है जो बीट हुई है ऐसे, वेलकम हाफिज बिलाल साहब, पोस्ट को शेयर करें और फ्रेंड को और ये एक बोल्ड कर बोल्ड हो गया नोयत ही बदल गई, एक ओवर में ये तीसरा आउट हो गया। अनमोल जहीर आप ई डेस्क का पेज पे जाएं, वहाँ मैंने शेड्यूल अपलोड किया हुआ है, आपको फाइनल तक के मैचेस का मुकम्मल पता चल जाएगा कि कल किसका है परसों किसका है किस टाइम है। वेलकम जाजा भाई आज साहब भैया, ये कैसा है मियां मोहम्मद अशरफ सलाम शेर अहमदुल्लाह आपको सलाम
वेलकम ज़हीर भाई साउथ अफ्रीका से, पोस्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इनवाइट करें फ्रेंड्स को। मैं 2 मिलियन का टारगेट आप लोगों से लेना चाहता हूं, तब मेरा एक प्रॉमिस है जो उस्मान साहब ज़्यादा उस्मान खाली साहब से है, वो मैं पूरा करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस में मदद करें, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे व्यूअर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वेलकम ताहिर भाई, आप पोस्ट को शेयर भी करें, फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें। और एक और क्या है, कीपर ने बड़ा ही अजी मुर्तजा मीनार साहब, बहुत शुक्रिया, आप सब दुआएं करें। ये इवेंट भी बड़ा ग्रेट है और मैं चाहता हूँ इस इवेंट के लिए मैं साहबजादा उस्मान खालिद साहब को 2 मिलियन व्यूअर्स का गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप लोगों के तामन से इंशाल्लाह ये होगा। जुनेद राजपूत साहब, 7 बजे का जो मैच है वो जीता है, एक मिनट। आप इधर आए, इधर बॉलर बॉलर ने एक मिनट पीछे वालों के बावजूद स्पिनर देखे, वो टीम के मेन बॉलर और वहां नंबर 26 के कैप्टन को सलाम करते हैं। सर ये बॉलर है जी, मलिक कदीर अवान साहब, आपको मैं वेलकम कहता हूँ। सब कमेंट्स का जवाब देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, कोई दोस्त रह जाए तो वो नाराज़ ना हो, इंशाल्लाह जो भी मेरी नज़र से गुजरता है मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। इसीलिए मैंने दूसरे सेट पे ये लाइव देख रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे लाइव देख रहा हूँ इसको। ये देखें, आपकी तरह मैं भी इसको लाइव व्यू कर रहा हूँ और आपके कमेंट्स कोशिश होती है कि मैं देता रहूँ इसमें देख के। एक सौ बीस स्कोर हुआ है दो नंबर वार्ड का, 121 रन का टारगेट मिला है व्यूअर्स। आप सब व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक ये ब्रेक है आप अपने अपना स्टेटस किस सिटी से किस शहर से आप देख रहे हैं काइंडली वो बताएं। इस वक्त जो है इवेंट के चीफ वो भी देख रहे हैं इस इवेंट को, तो वो देखें कि उनका ये इवेंट जो है पूरी दुनिया में किस किस कंट्री में और किस किस सिटी में ईट इसका दिखा रहा है। उनका भरपूर मान हाथ क्या मतलब कहते हैं आप
उनको बाहर किस लगवा दिया जाएगा इंशाल्लाह अजीज। दोनों टीमों से प्रदर्शन भी होगा इनका। हाजी मोहम्मद अशफाक कोल जी टीम को वेलकम उस्मान भाई। कीपर जो है अभी वो चले गए हैं, मैंने कोशिश की थी इस दरमियान में बॉलर को ले आया था जिसने सारा मैच की सिचुएशन ही बदल दी है, तो उसको मैंने दिखाया है। उस वो एक टांग से वो डिसेबल भी थे लेकिन उन्होंने चार विकेटें गालबन ली हैं, एक ओवर में सारा को टर्न कर दिया। क्लास के लिए दोनों मौजूद हैं। व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इवेंट के हवाले से आप कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें, उस्मान खालिद साहब आपको रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट इवेंट का भी इंशाल्लाह आपको कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट इवेंट आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं। इस वक्त इवेंट के चीफ जो हैं वो मैच देख रहे हैं लाइव ईडस्का पे, आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो रिप्लाई भी करेंगे। जैसे जैसे वो फारग हुए ना हुए तो मैं आपको साथ में रिप्लाई करता रहूँगा। उन्होंने ये डिस्का में जो मेला सजाया हुआ है, इस पूरे डिस्का की रौनकें बढ़ाई हुई हैं। 22 साल बाद ये स्टेडियम की रौनकें बहाल की हैं। DPL 2 का भी उन्होंने अनाउंस किया है, आप उनसे क्वेश्चन और आंसर ले सकते हैं। बाबा जी खालिद महमूद मकीम मदनी उस्मान खालिद साहब हसान खालिद साहब इनका और गोरमे वालों के तावन से आप ये इवेंट पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आप उनका शुक्रिया भी अदा करें और मेरा जो टास्क 2 मिलियन का है फाइनल तक वो भी आप पूरा करें और उनको बताएं कि हम इंशाल्लाह ईडस्का का ये टारगेट पूरा करके मैं उस्मान खालिद साहब को गिफ्ट करना चाहता हूँ व्यूअर्स का कि 2 मिलियन व्यूअर्स फाइनल तक मैंने क्रॉस किए, अभी तक 1.3 मिलियन हो चुके हैं। मुदस्सर अमीन साहब वाकई हम डस्का वाले ग्रेट हैं जिनका क्योंकि डस्का के पर बाबा जी खालिद महमूद मकी मदनी और उस्मान खालिद साहब जैसे इंसानों का साया है, तो हम फ़ख्र फील कर रहे हैं कि डस्का में उनका इधर है और डस्का के लिए ही उनकी सारी हमदर्दियाँ हैं। मज़ीद जानने के लिए @usmanlikhein लिखें YouTube पे और उस्मान भाई का आप इंटरव्यू भी देख सकते हैं और देखें कैसे अग्रेसिव हैं वो अपने इंटरव्यू में, वो क्या क्या ऐलानात कर रहे हैं। आप ज़रूर टाइम निकाल के उसको देखें भी और सब्सक्राइब भी करें YouTube पे @usmanlikhein। और ये पहली विकेट गिर गई है, कैच पकड़ लिया इस दौरान। आप अपनी कंप्लेंट भी सबमिट कर सकते हैं उस्मान खालिद साहब को कि स्कोर वगैरह इतना नहीं बताया जाता जितना ये इनामात या दूसरी बातें हो रही हैं। बकायदा स्कोरिंग 2-3 दिन बड़ी अच्छी हुई है, आजकल फिर वो ऐसे ही वैसा पोजिशन हो गई है। एक दो अंपायरिंग के बारे में भी कह रहे थे, वो भी आपने कमेंट्स कर सकते हैं।
मैं फेसबुक पर देखा सुल्तान इंजीनियर भाई लिखा हुआ था। अच्छा वार्ड नंबर 26 का बताओ स्कोर है 8। जी मैं आपके व्यूज का एहतराम करता हूँ कि वाकई कोई कोई बहुत कम है दुनिया में ऐसे इंसान। मलिक कदीर साहब 6-6 ओवर का ये मैच है, पहला ओवर जा रहा है, जारी है, 6-6 ओवर का ये मैच है। वेलकम वकास अमीन मुगल साहब पे, उसको शेयर भी करें और मुझे नज़र आना चाहिए शेयर, और उसके अलावा आप फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी टीम ने 5 मैच जीते हैं और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया। पहले ओवर के इंतजाम पर 12 स्कोर हो चुका है इस टीम का और 120 का टारगेट इनको मिला हुआ है। सुल्तान जिन्होंने बहुत छक्के लगाए थे आज, अभी वो बॉलिंग करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बॉल उन्होंने पहली करवाई है। मैं कोशिश करूंगा इस ओवर के एग्जाम पे सुल्तान साहब को आपको करीब से दिखाऊं भी और उनसे कुछ बात भी करूं। आफत मेहर साहब वेलकम, आप पोस्ट को शेयर भी करें और फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें। एस एन चौधरी साहब आपने स्टेटस दिया रावलपिंडी है या कोई और जगह है? जी नहीं तैयब साहब, आज टेलीनॉर का स्टॉल नहीं लगा, रात को उनकी काफ़ी इंसल्ट हुई है, जो इधर के कमेंटेटर थे वो उनसे उनको उठवा दिया उन्होंने कि आप स्टॉल ले दें नहीं तो हमें शर्टें वगैरह दें, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी जो मैं मेंशन नहीं करना चाहता था आपके क्वेश्चन करने पे। वो कंटिन्यू फाइनल तक स्टॉल लगाना चाहते थे और उन्होंने 300 के करीब जो है यहाँ इनाम वगैरह भी दिए व्यूअर्स को जो देख रहे थे। मुदस्सर अमीन साहब वेलकम, आप पोस्ट को शेयर करें फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें। टेलीनॉर के चीफ जोनल ऑफिसर जो लाहौर से स्पेशली डीपीएल का इवेंट भी देख रहे थे वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब ये कहा गया कि स्टॉल उठा लें, हमें शर्टें दें, हमें चीज़ें दें, हमें गिफ्ट दें। वो व्यूअर्स और तमाशाइयों को देने के लिए आए थे, उन्होंने गिफ्ट टेम्पर भी बनाए थे इन लोगों के लिए। उन्होंने कहा एंड में हम बकायदा
तकरीब करके इनको ऑनर देंगे, वो गिफ्ट एम्बर देंगे, लेकिन कमेंट्रेटर और दूसरे लोग ज़्यादा जो इंतजामिया के हैं वो जल्दबाजी में आ गए, इसलिए उन्होंने एक घंटा पहले ही अपना स्टॉल ख़त्म करके मैच खत्म होने से पहले चले गए। मैं कहा फिर अपने मौजूद में वाले हसूस थी जनाब डॉक्टर सरदार साहब, मोहम्मद उस्ताद मोहर साहब और बहुत आदि मोहम्मद मोहर साहब को दिल के भाग्य से दो रुपए दीदी की तरफ से खुशामदी कहता हूँ। दो रुपए दीदी यार दिल के भाग्य से खुशामदी कहता हूँ। बोल्ड कर दिया, बहुत अच्छा क्लीन बोल्ड किया ये व्यूअर्स। ये सुल्तान थे जिनको मैंने इमरजेंसी के तौर पे बताया बुलाया है, उनको रिक्वेस्ट किया है कि मैच के एंड में आप मेरे पास आए, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। क्योंकि हम अपने बॉसेस मेहमान में ग्रामी का तारक करवाएंगे, उन दोनों टीमों का तारक करवाएंगे अपने बॉसेस मेहमानों से और उनको खुशहाल के भी आया जी खान साहब। मौसम का मार्च गुजारिश है कि वो स्टेज से नीचे आ जाए, प्लीज आपका इंट्रोडक्शन होगा दोनों टीमों के साथ। मेहमानों खुशी में मौजूद है डॉक्टर इफ्तिखार साहब, मोहम्मद अफसर मोहर साहब और उनके साथ हाजी मोहम्मद अफसर मोहर, उनके साथ जाएंगे मुफ्ती अलबर साहब और ये मोहम्मद अफसर साहब जी वर्द हाफिज मोहम्मद साहब को अपना खुशामदीद कहते हैं। हाजी मोहम्मद जी पाक साहब शेख अहमद साहब जी वर्द अभी जो मेहमान आए हैं उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं तब तक वो सेमिनार फंक्शन आपको दिखाता हूँ किस तरह मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता है। प्रोग्राम के तमाम टीमों मुबारकबाद।
सारे इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा दो दो मिनट सारे खाली डॉक्टर साहब नूं दांगा दस्सो की हाल है ठीक रुक बना रहे यार स्पीड स्लो रखे एक सुल्तान है और ना ही कोई जीव है नहीं नहीं बीबी वाला ना ही कोई जान वाला नहीं कोई बीबी वाला ना ही ओदा पूछदे हैं पंजी मैच जीते हो मैं ये बच्चे दस छड़े सही अज ओ मैं प्राइज देना तुम कुछ ना भावे दस रुपये दे के जो फोकल परसन उसी सारे चुके रख चुके हम ग्रुप ग्रुप हो ग्रा फोटो ग्रुप फोटो चाहिए एक फोटो फटदा होने आप कहाँ से आए हैं जी सर कहाँ से आए हैं उधर पर जाने तो हम उन्होंने लिया मैं डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट डॉक्टर साहब सारे मेहमान जरा एक मिनट जी और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर इफ्तार साहब हैं मैं उनसे पूछूंगा अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सर इवेंट के हवाले से आप कुछ कहना चाहें हाँ जी सबसे पहले तो मैं ये जो ऑर्गेनाइज़र है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अच्छा अपने शहर में ये इवेंट और इतनी देर बाद करवाया है और ये भी उम्मीद रखते हैं कि ये हर साल ऐसे इवेंट होने चाहिए ये जो कौम थी ये मुंतशर हुई हुई थी ये दहशतगर्दी का शिकार कौम थी ये नौजवान नस्ल जो थी ये नशे के आदि लोग हो चुके थे लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नौजवानों ने ये कोशिश करके इस कौम को सीधा रास्ता दिखाया है ये हमारे जो खेल के मैदान हैं आबाद हो रहे हैं हमें बहुत खुशी है जो एक शायर ने कहा है कि तंग दस्ती अगरचे हो गालब तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है इसी तरह एक शायद एक जर्बल मिसल है अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड जी तो सेहतमंद जेहन के लिए सेहतमंद जिस्म का होना बहुत ज़रूरी है जी, और सेहतमंद जिस्म के लिए अच्छी गजा और वर्जिश से इनकार नहीं किया जा सकता और मेरे ख्याल में खेल से बेहतर कोई वर्जिश नहीं है हमें
अपनी कौम को और जो वालदैन को भी ये तनकीद करनी चाहिए कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रागब करें, और नौजवान नस्ल को भी ये मेरा यही पैगाम है कि वो खेल में भरपूर दिलचस्पी लें। इससे ही हम जो है ना भाई अपनी नौजवान नस्ल की सलाहियतों को बेहतर उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा यही सबके लिए पैगाम है कि इन लोगों को अप्रिशिएट करें जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और नौजवान नस्ल की रहनमाई करते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है जी। हमारा मोटो है कि हमने ग्राउंडें आबाद करनी है और अस्पताल बंद करने हैं, तो आपका क्या व्यू है? टोटली एग्री करता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा है कि हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। जब बॉडी हेल्दी होगा तो हॉस्पिटल डेफिनेटली डिक्लाइन पे जाएंगे जी जी। और हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिश भी है और हम इसमें आपके साथ हैं जी। चाहे मिसाला खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ हाजी मोहम्मद अरशद हैं, वो काफी सामाजिक कारकुन है, वो भी अपने ग्राउंड। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। कल पता चला था गए हैं लाहौर आप। हाँ जी, इवेंट के हवाले से साहब आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम कराने वाले तमाम हजरात को फर्दन फर्दन नाम लूँ तो बहुत टाइम लगेगा, तमाम हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन टीमों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, दस्का के अवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस सरजमीन को भी मुबारकबाद कि जिस सरजमीन पे ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने जंगल में मंगल बना दिया है। ये एक ऐसा स्टेडियम था जो अरसा दराज से बंद था। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा चेयरमैन साहब बाबा जी पीर मकी मदनी दीगर उनके साथी हमारा यंग ब्लड का अदारा अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी तंदुरुस्ती रखे तमाम नुमिंदगान को जिन्होंने इधर मोहब्बत की है तामन की है और अहले काउंसलर हजरात बहुत मुबारक पेश करता हूँ उनको कि उन्होंने बहुत साथ दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान दस्का शहर को आबाद और शाद रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान को मुल्क के अपनी निगहबानी में रखे और बद नज़र से बचाए, हमारे मुल्क की खैर आफियत रखे। अल्लाह इस पर रहमत नाजल करे, इन लड़कों को भी अल्लाह ज़िंदगी और तंदरुस्ती अता फरमाए। ऐसे ही पूरे शहर के और पूरी पाकिस्तान के अवाम में मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। आमीन। इससे सेहत के भी बेहतरीन है, सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। मैंने अपनी 60 साल उम्र में पहले दफ़ा ये पाकिस्तान दस्का शहर में ऐसा ग्राउंड ऐसी ग्राउंड में ऐसे माहौल देखे जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे माहौल चलते ही रखे और मोहब्बतें पैदा करते ही रहे। मेरा अच्छा एक आपसे सवाल है, आप काफी देर के ई डस्का के भी व्यूअर हैं जी, आपने कैसा फील किया? वो तो जिस्म का हिस्सा ही बन गया अब तो। वो कुछ कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिल से निकालो तो जान निकल जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ई डस्का डस्का के लिए ये वाहिद एक ही नहीं पूरा डस्का ई डस्का हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी मुबारकबाद पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। हाजी इश्फाक मुगल साहब हैं। सबसे पहले ये इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम डस्के में अरेंज किया, और मैं दुआ को हूँ ये जितने भी प्लेयर हैं अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया ऐसे प्रोग्राम जी फाग साहब थे। अभी डॉक्टर इमरान तुफैल साहब है मेरे साथ, ये स्पेशली इवेंट को देखने सऊदीया से इधर आए हैं। मैं इनसे एक और बात भी करूंगा कि सऊदीया में भी लोग बहुत व्यू कर रहे हैं डिस्का से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। इवेंट के हवाले से डॉक्टर साहब चैनल इवेंट के हवाले से वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो जिनकी वजह से ये ग्राउंडें आबाद होने जा रही हैं जी सर, और ये हमेशा ये जो ग्राउंडें आबाद होने जा रही हैं ये जारी रहना चाहिए, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े इंशाल्लाह हम करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, और कोई ऐसा डस्का के नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारा मोटो है हमने ग्राउंडें आबाद करनी है और अस्पताल वीरान करने हैं, ये बाबा जी का उस्मान खालिद साहब का और इसी वन का ये मोटो है, इसके लिए हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस तरह के हमारे दोस्त डॉक्टर साहब ने बताया कि एक हेल्थी माइंड जो है वो हेल्थी जिस्म में हो सकता है, तो उस हवाले से ये जो एक्सरसाइज है जो ये खेल है ये नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है जी जी। और अगर ये जारी ना रहा तो यू हम अपने जो नौजवानों की सेहत तो खो देंगे, तो ये जरूर जारी रहना चाहिए। किसी भी कीमत पे ये जो खेल है ये डिस्का शहर के लिए जो है ये जरूरी है और ये जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जो इनाम टाइम आओ आओ क्या फजल उमर साहब है मेरे साथ,
मेरे साथ हाफज उमर साहब हैं, वो भी कुछ कमेंट करें। उमर बिलाल साहब, मैं तमाम टीमों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत खुशी हुई ग्राउंड पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। मैं कराता हूँ, आप कराता हूँ, आपका नाम क्या? सुल्तान से तो सारे बात करना चाह रहे हैं। जी व्यूअर, सुल्तान से आप बात करना चाहते हैं? सुल्तान मेरे साथ हैं, बाद में हो सकता है ना मेरा। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़े लंबे लंबे छिक्के आप कैसे लगाते हैं व्यूअर ये पूछते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज्जत बनाई है। फील्ड किधर करनी है? अपनी बहुत ज्यादा लोग आपको सलाम भी कह रहे हैं, मुझे तो पता नहीं था। मेरे दोस्तों, छक्के इतने लंबे कैसे लगा लेते हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है भाई। नहीं, अल्लाह के अल्लाह का तो शुक्र है। अपने अपने थोड़ा सा ये सुल्तान साहब थे, आपने कहा था इनके इंटरव्यू करें, मैंने इंटरव्यू किया है। अल्लाह ताला इनको बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। जी और दोबारा मैच स्टार्ट होने लगा है, अब मैं आपको वो मैच दिखाता हूँ। सुल्तान की अच्छी फील्डिंग, बॉय नंबर टू की जानिब से शॉट की कोशिश। स्कोर हो गया है और तीसरे ओवर का यह खेल जारी है। तीसरे ओवर का खेल जारी है और 30 स्कोर हो चुका है। अच्छी बॉल का मुजाहरा, हम अपने आने वाले मेहमान मोहतरम नाब डॉक्टर इफ्तार, नाब हाजी अर्शद मुगल साहब, नाब इफ्तार मुगल साहब, हम गवर्नमेंट इंडिया दशका की जानब से और चेयरमैन बल्दिया की जानब से उनको भी शामिल कर रहे हैं। शुक्रिया। तीसरे तक जारी, वार्ड नंबर 26 का स्कोर 21। तीसरे ओवर के अंत में वार्ड नंबर 26 31 पर बैटिंग करते हुए, अभी तो 3 ओवर में 90 स्कोर चाहिए है। 90 3 ओवर का खेल बाकी, स्कोर चाहिए है 90। 3 ओवर में 90 स्कोर चाहिए जीतने के लिए इस टीम को। सुंदर बॉल के लिए
मियाँ शाह साहब वालेकुम सलाम, पोस्ट को शेयर भी करें और फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें। आपको सब व्यूअर्स को आज मैंने एक टारगेट दिया है, जब फाइनल तक मैंने 2 मिलियन क्रॉस करना है। 1.3 मिलियन प्लस में गेन कर चुका हूं व्यूअर्स का, और 7 लाख आपने फाइनल से पहले पहले मुझे देने हैं। मैं ये गिफ्ट उस्मान खालिद साहब को 2 मिलियन व्यूअर्स का देना चाहता हूँ, फाइनल से पहले या फाइनल पे। इसके लिए आपका साथ मुझे चाहिए। आप पोस्ट को शेयर करें, फ्रेंड्स को इनवाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं इसमें आएँ, और मैं 2 मिलियन का जो टारगेट है वो इंशाल्लाह क्रॉस करूँ। स्कोर है उसमें परेड हूँ, शायद बैठने की आदमी को प्रॉब्लम है। नए आने वाले बैट्समैन रिटायर्ड हर्ट हुए हैं बैट्समैन, और नए बैट्समैन आए हैं। बहुत अच्छा उठाया है, कमेंट्री बॉक्स में सी दिया 6 रन है। शुक्रिया दुलावर चौहान साहब, आपने शेयर किया पोस्ट को। आप अब फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें। आप लोगों के तावन से मैं इंशाल्लाह मैं 2 मिलियन का व्यूअर्स का गिफ्ट साहबजादा उस्मान खालिद साहब को फाइनल में दूंगा। आप लोगों का तावन चाहिए, बस कुछ नहीं मिल चाहिए, मैं आपको ये इवेंट दिखाऊंगा। और याद रहे, ये इवेंट बाबा जी खालिद महमूद मक्की मदनी साहबजादा उस्मान खालिद साहबजादा हसान खालिद और गोरमे के अलावा चेयरमैन बल्दिया डस्का, यंग ब्लड फाउंडेशन, खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन, उन सब की मेहनत से और सरमाए से ये काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी कमेंट करें और साथ में फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें। जी हाजी मुर्तजा मिन्हा साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे इस काम में, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, मुझे ज़रूर कामयाब करेगा। आपकी दुआएं और साथ मुझे ज़रूर चाहिए। स्कोर हुआ है 4 ओवर में। दो ओवर में 75 स्कोर चाहिए 26 नंबर वार्ड को। अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा है। फ्रेंड्स अपनी अपनी लोकेशन भी काइंडली मेंशन करें, किस किस सिटी और कंट्री से आप लोग ये मैच लाइव देख रहे हैं ई डिस्का पर।
आतिफ साहब बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, आप पाकिस्तान जिंदाबादी करें, आईपीएल से बेहतरीन है हमारा ये डीपीएल जिसमें किसी किस्म की कोई ये नहीं है, बुकीज नहीं है और ऐसी कोई करप्शन नहीं है, साफ सुथरे माहौल में ये मैच हो रहा है। आईपीएल को गोली मारें और डीपीएल को जिंदाबाद कहें, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। वेलकम सुनैन भाई, वेलकम अली बाबा फ्रॉम इटली, वेलकम मोहम्मद अकील सती इस्लामाबाद से देख रहे हैं, वेलकम कर रहा हूँ और सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि इसको शेयर भी करें पोस्ट को और फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें। हुसनैन हरल पीटीआई इटली से देख रहे हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी और आपने डीपीएल जिंदाबाद कहा और डीपीएल वाकई जिंदाबाद है। अली बाबा भाई मुझे 2 मिलियन का टारगेट मिला है, वो मैंने फाइनल तक क्रॉस करना है। 1.3 प्लस हो गए हैं मिलियन मेरे व्यूअर्स और मैंने व्यूज आप लोगों की वजह से ये करने हैं और आप ईडस का और आसिफ सेठी की इज्जत जो है आप लोगों के हाथों में, आप व्यू करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि मैं एक बंडल जो है साहबजादा उस्मान खालिद साहब को वो दे सकूँ कि मैंने 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को व्यू करवाया है। राना रिजवान साहब आपको वेलकम करता हूँ ईडिस्का पे, आप ग्रीस से देख रहे हैं, फ्रेंड्स को इनवाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अली बाबा आप लोग जिंदाबाद हो, मैं ईडिस्का को अकेला चला रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ मैं अकेला कर रहा हूँ, आप मेरा पेज भी विज़िट करें। मेरे साथ एक दोस्त शबीर अहमद हैं जो मेरे साथ कैलीग्राफी का काम करते हैं, तो मेरा हौसला हिम्मत आप हो, मेरी पूरी टीम, मेरे ये व्यूअर्स हैं जो जिनकी वजह से मुझे हौसला हिम्मत मिलती है। मैं 6 घंटे 5 घंटे डेली खड़े होकर लाइव करता हूं, आप लोगों के व्यूज़ जब मिलते हैं मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। आप काइंडली अपने कमेंट्स करें, कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा सली मिलती है, हौसला मिलता है और मेरा हौसला बुलंद रहेगा तो ये इवेंट भी ऐसे आप देख सकेंगे। शाहजेब अहमद साहब बहुत शुक्रिया। बिलाल असलम साहब आप नाइस ना लिखें, पूरे इवेंट का कुछ बताएं, कमेंट ऐसा करें जो पढ़ने वाले को भी मज़ा आए। अब नाइस क्या है, मेरी आवाज़ नाइस है, इवेंट नाइस है, बॉलर नाइस है, बैट्समैन नाइस है, ऐसे नहीं चलेगा, डिटेल में मैसेज चाहिए। थैंक यू राशिद भट्ट साहब, आप लोगों के साथ तावन के साथ ही ये सब कुछ मुमकिन है। और इस तरह ये वार्ड नंबर 2 जीत गई है। बस इतने कर ले जी, वार्ड नंबर 2 सब देखना चाहते थे सारे, ये जीत के बाद एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी वो किधर हैं, सुल्तान साहब भी आ गए हैं जिन्होंने आज अपनी सुल्तानी दिखाई है जी। मलक चांद 24 चैनल के भी हैं जी।
नारा लाओ पाकिस्तान का। दो नंबर जेड़े कौंसलर ने अजीम भट्ट साहब ई डस्का बहुत शुक्रिया जी वर्द। ये थे वार्ड नंबर दो के जीतने के बाद खिलाड़ी इधर आए हैं ई डस्का के पास, तो उन्होंने अपने मैच दिए हैं। अगले मैच पे इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए शॉर्ट ब्रेक है, एंजॉय करें। मैं भी अगले मैच की तैयारी कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।